উপস্থিত রাহুল গান্ধী আর জনতার সম্মুখত রাহুল গান্ধী এইটোর পাছত অন্তুক গ্যারেন্টি দিছে এবার হরিয়ানা নির্বাচনত কংগ্রেসের সম্মুখত বিজেপি পরাস্ত হব বলে মন্তব্য করেছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীয়ে। আমি লই আছি বিশেষ খবর রাহুল গান্ধীর এইটোর পাছত অন্তুক নতুন গ্যারেন্টি। রাজহুয়া সভাত বিজেপিক পরাস্ত করার হুঙ্কার প্রদান করেছে রাহুল গান্ধীয়ে। নতুন নতুন গ্যারেন্টি প্রদান করা দেখি পাওয়া গেছে রাজহুয়া সভাত বিজেপিক পরাস্ত করার হুঙ্কার। কংগ্রেসের সম্মুখত এবার বিজেপি জয়ী হব নয় বলে মন্তব্য করেছে রাহুল গান্ধীয়ে। জনতাক নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি রাহুল গান্ধীর। হরিয়ানার জনতার বাবে কেবাটাও প্রতিশ্রুতি লো উপস্থিত হয়েছে রাহুল গান্ধী। হরিয়ানার রাহুল গান্ধীর কেবাটাও নতুন গ্যারেন্টি, জনতার বাবে কেবাটাও নতুন গ্যারেন্টি রাহুল গান্ধীর। আর হরিয়ানা কংগ্রেসের সম্মুখত বিজেপি পরাস্ত হব বলে মন্তব্য করেছে রাহুল গান্ধীয়ে। বিজেপিক উফরাই সরকার গঠন করিব কংগ্রেসে। হরিয়ানার জনতায় বিজেপিক প্রত্যুত্তর দিব বলে মন্তব্য করেছে রাহুল গান্ধীয়ে। এবার হরিয়ানার জনতায় কংগ্রেসক জয়ী করাব বলে মন্তব্য রাহুল গান্ধীর। প্রধানমন্ত্রী মোদীক মিছলিয়া আখ্যা দিছে রাহুল গান্ধীয়ে। বিজেপিয়ে কেবল ধনী মানুহক গুরুত্ব দিয়ে বলে মন্তব্য রাহুল গান্ধীর। রাজহুয়া সভাত তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপিক আর এবার কংগ্রেসে জয়ী হব বলে দাবি করেছে রাহুল গান্ধীয়ে। আর বিজেপিক পরাস্ত করার হুঙ্কার রাহুল গান্ধীর। এই মুহূর্ত আমার হাতত মন্তব্য আহি পড়ছে, মন্তব্য শুনক। 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। आपने 10 साल देख लिए, सुन ली उनकी बात, आमदनी दुगनी कर दूंगा और फिर काले कानून ले आए, छोटे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाऊंगा, नोटबंदी जीएसटी ले आए, उनका काम आप जानते हो। अब सब मिलकर एक साथ हरियाणा को खड़ा होना है, क्योंकि देव जैसे जो बच्चे रो रहे हैं उनके आंसू पोंछने हैं, उनको खुश करना है और उनको अपने पिता के पास गले मिलने देना है। गोल्ड मेडल हम हिंदुस्तान के लिए लेते हैं, इन्होंने कहा मुझे, इसने कहा, वो भी 4 बजे सुबह। इनका क्या किया? सारे इसके सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया, इनके बहनों का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का आदमी है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, देव के साथ चिल्लाओ, 24 घंटा चिल्लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए, हमें हरियाणा ऐसा चाहिए जहां बच्चे ना रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जब मां ना रोए, ऐसा हरियाणा हमें चाहिए और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। अब आप मुझसे पूछोगे, आप मुझसे पूछोगे ठीक है आपने कह दिया, बताओ कैसे। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं, पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। मगर ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा की नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, ये हो क्या रहा है, ये बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं,
कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह नहीं सकते ऐसे स्टेज पे आकर, वो कह नहीं सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा देंगे, मगर वो करते हैं। सारी की सारी संस्थाओं को आरएसएस के लोगों के हवाले कर दिए हैं, पूरा कंट्रोल नागपुर का है। उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए,